बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव का शुरू हुआ डाउनफॉल। एल्विश की लगातार बैक टू बैक बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद फाइनली मनीषा ने किया एल्विश को अनफॉलो। इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों इस समय एल्विश यादव का दो चेहरा बाहर आ रहा है। एक बार आप गलती कर सकते हो लेकिन बार बार रिपीटेटिव कॉन्टेंट क्यों हो रहा है? एल्विश से ये अब जनता को खुलकर पूछना चाहिए, उनकी आर्मी एल्विश की आर्मी को भी अब वाकई में खुलकर एल्विश से सवाल पूछना चाहिए कि क्या एल्विश सही कर रहा है, क्या एल्विश डिप्रेशन में तो नहीं चला गया है, क्या एल्विश के ऊपर अपना फेम छा गया है, क्या एल्विश को फेम का घमंड हो गया है। बॉलीवुड में जाने से पहले ही एल्विश भाई अब एक्सपोज होने लगे हैं। मैक्सटेन की पिटाई के बाद एल्विश यादव को शेम ऑन एल्विश अरेस्ट, एल्विश यादव बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कराई जा रही हैं। इस बीच में एल्विश को तब सबसे बड़ा झटका लगा है जब मनीषा रानी के फैन अकाउंट से अब इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया गया है। ये मनीषा रानी का ऑफिशियल अकाउंट है जहां पर आप देख सकते हो अब एल्विश यादव को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिलहाल ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं एज एन फ्रेंड मनीषा हमेशा एल्विश की अच्छी दोस्त रहेंगी, लेकिन मनीषा ने दोस्ती हमेशा दिल से निभाई है। ये हाई टाइम है कि मनीषा एल्विश से को अनफॉलो कर दे, वरना बार बार मीडिया के वही सवाल, वही बार बार मीडिया की ट्रोलिंग जो है मनीषा को की जाएगी। तो मनीषा ने बहुत ही अच्छा मेजर स्टेप लिया है इस समय एल्विश यादव को अनफॉलो करके, क्योंकि एल्विश यादव को लगातार चौतरफा हमला किया जा रहा है, चाहे वो रैंडम सेना हो, मैक्सटेन हो, और खुद एल्विश के ही अब जो जजमेंट है, खुद एल्विश की जो हरकतें हैं वो एल्विश पर भारी पड़ रही हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में मनीषा ने जो अनफॉलो कर दिया है एल्विश यादव का, उस पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।